ज़्यादातर 90% से ज़्यादा छात्र हिंदुस्तान में अपनी पढ़ाई से बहुत कोसों दूर हो गए। यहाँ पे पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। यहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था, क्लास को साफ सुथरा रखना, लड़के और लड़कियाँ मास्क पहन के आते हैं, हमारा टेम्परेचर नापा जाता है, यहाँ साफ सुथरा, एवरीथिंग इज फाइन। नमस्कार, मैं आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। हमारे साथ बात करने के लिए कैरियर प्लानर के वे संस्थापक जो कैरियर की दुनिया में अलग ही पहचान बनाकर उभरे हैं, हम उनसे जानेंगे कि कोरोना काल में 2 साल की पीरियड में वो किन किन समस्याओं की सामना किए और इसे इतना रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं, इन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हैं कैरियर प्लानर के संस्थापक भूपेश सर। चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। इतना कोरोना काल में आप किन किन समस्याओं को सामना किए? देखिए, समस्याएं एक अपॉर्चुनिटी लेकर भी आती हैं, और जहां तक समस्या का सवाल है, यदि इंस्टीट्यूट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बिहार की 11 ब्रांचेज हम लोग की हैं। रेंट की समस्या हो, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या हो, कॉस्ट की समस्या हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कोरोना पीरियड में। उसको हम लोगों ने काफ़ी इफ़ेक्टिवली मैनेज करने की कोशिश की है, जिससे हमारे टोटल 126 जो हमसे कंसल्टेंट या एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, सभी लोग हमारे साथ इंटैक्ट हैं, कोई भी लोग हमसे अलग नहीं हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा कोरोना काल में पूरे टीम को इंटैक्ट रखना। दूसरी तरफ यदि छात्रों के परिदृश्य से देखा जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो छात्रों के लिए कोरोना काल कुछ छात्रों के लिए, हम कहेंगे 5 से 8% छात्रों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया, पर ज़्यादातर 90% से ज़्यादा छात्र हिंदुस्तान में अपनी पढ़ाई से बहुत कोसों दूर हो गए। तो ये तय माना जा रहा है, हमने करीब 3000 से ज़्यादा बच्चों से बात की अभी कुछ पिछले एक सप्ताह में अलग अलग ब्रांचों में जाकर, और सभी बच्चों का एक ही फीडबैक आ रहा था कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो एक प्लान बी के रूप में काम कर सकता है, वो कभी भी प्लान ए नहीं हो सकता। और जो हम लोग सोच रहे थे एजुकेशन व्यवस्था के रूप में कि शायद हम इसको हटा सकें, सब्स्टिट्यूट कर सकें, ऐसे पीरियड में वो नहीं हो पाया, चाहे वो बिगनर्स की बात हो, स्कूल एजुकेशन की बात हो, या कॉलेज एजुकेशन की बात हो, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात हो, हर जगह बच्चों का एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे आया है। तो बच्चों की तरफ से देखिए तो 90% बच्चे हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से कोरोना पीरियड में होलिस्टिक डेवलपमेंट अपना नहीं कर पाए, वो पढ़ाई से दूर हो गए। सर, इतना ज़्यादा रिजल्ट कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं? देखिए, रिज़ल्ट कन्वर्टर तो हम लोग नहीं हैं कि रिज़ल्ट हम कन्वर्ट कर देते हैं या संस्था कर देती है। रिज़ल्ट एक प्रोसेस से आता है, रिज़ल्ट किसी व्यक्ति विशेष से नहीं आता है। करियर प्लानर अलायंस क्लब एक प्रोसेस ड्रिवन इंस्टीट्यूट है, जहाँ कोई भी विद्यार्थी जो है जब वो आता है तो कंकर रहता है, और जब यहाँ से 1 से 1.5 साल का रोबस्ट ट्रेनिंग करके जाता है तो एकदम मोती की तरह निकल के जाता है। और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना काल आया मार्च के बाद 2020 में, तो हम लोगों ने बहुत तेज़ी से जो हम लोगों का सर्विसेज था, जितने हज़ार बच्चे थे और जितने जो हमारे सुपर ग्रुप के अलायंस क्लब के बच्चे थे, सभी बच्चों को हम लोगों ने ऑनलाइन सुविधा देनी शुरू की। बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और किस चीज़ का तैयारी करते हैं? सर, मैं सहरसा से हूँ, लेकिन यही रहता हूँ और बैंकिंग का तैयारी करता हूँ और करियर प्लान में पढ़ता हूँ। कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन किया जा रहा? यहाँ पे पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। यहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था, क्लास को साफ सुथरा रखना, लड़के और लड़कियाँ मास्क पहन के आते हैं, और जो भी प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो किया जाता है। अगर सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर लेना भूल जाते हैं, मास्क लेना भूल जाते हैं, तो क्या सुविधा है यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है? वंशिका बैंकिंग की तैयारी करता है अभी जस्ट 3 महीने से। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, बच्चे मास्क पहन के आते हैं, सैनिटाइजर लेके आते हैं, अगर ना हो तो भी यहाँ व्यवस्था है, और हमारा टेम्परेचर नापा जाता है, यहाँ साफ सुथरा, एवरीथिंग इज फाइन। कैरियर प्लानर के संस्थापक भूपेश सर से बात किए हमने, और यहाँ का स्टूडेंट, अलग अलग स्टूडेंट से बात किए, और यहाँ का जो इतना रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं वे हमने समझे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।